अब साथियों टैली में हम डे बुक की वाउचर एंट्रीज को इंपोर्ट करना सीखेंगे। अभी पिछले चैप्टर्स में हमने लेजर्स और स्टॉक आइटम को ऑलरेडी दूसरी नई कंपनी में इंपोर्ट करा दिया है। अब फाइनल इंपोर्ट यूज करेंगे। इस समय मैं अपनी एक्टिव कंपनी राजीव यूट्यूब चैनल पर हूँ और मैं डे बुक में जा रहा हूँ, जिसके लिए गेटवे ऑफ टैली पर मैंने डिस्प्ले डे बुक का यूज किया। अब मेरे पास जो भी एंट्री आ रही है मैंने उसके लिए ऑल्ट ई का प्रयोग किया, ऑल्ट ई। अब साथियों मुझे सिर्फ इसमें अपनी फाइल का नाम रखना है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रख देना है, मुझे उसमें कोई चेंज नहीं करना। तो साथियों मैं इसमें अपनी फाइल का नाम रख रहा हूं जो कि है data.xml। एक्सटेंशन तो कंपलसरी XML होना ही है। आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट के एक्सपर्ट बन चुके हैं क्योंकि कई चैप्टर में आपने एक्सपोर्टिंग करना अच्छे से रिवाइज कर लिया है। तो data.xml और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराते हैं इसको। इसके बाद एक्सपोर्ट हो गया, उसने एक विंडो ओपन कर दी हमारे लिए फोल्डर, इसे क्लोज कर देते हैं। अब टैली के गेटवे ऑफ टैली पर पहुंचते हैं। यहां पर मैंने F3 से कंपनी को स्विच किया और अब इसमें मैं इंपोर्ट ऑफ डेटा यूटिलिटीज में जाकर के यूज कर रहा हूं, वाउचर्स का ऑप्शन लेना है। और साथियों इसमें हम अब अपने फाइल का नाम रखेंगे जो कि है data.xml। अब इसको एक्सेप्ट कराते हैं और डे बुक में चलते हैं। अभी स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले डे बुक यहां आपको एंट्री दिखाई दे रही है साथियों, लेकिन ये एंट्री सिर्फ एक दिन की है। पुराने डे बुक में, पुराने वर्जन टैली के, उनमें आप पूरा डेटा एक बार में ही इंपोर्ट करा सकते थे, लेकिन अब tally.erp9 के नए रिलीजेज में, एजुकेशनल वर्जन में आपको ये सुविधा नहीं मिलती है। अगर आप करना चाहें तो आप अपनी पुरानी कंपनी में जाएं, F3 से, और यहां पर डे बुक में Alt F2 का प्रयोग करें, 1 अप्रैल से लेकर के 1 दिसंबर, और यहीं से आप सारा डेटा एक्सपोर्ट कर दें। लेकिन हमारे इस वर्जन में ये काम नहीं करेगा। हाँ, आप ऐसी अवस्था में एक पर्टिकुलर डेट की एंट्री तो शिफ्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने 1 दिसंबर दिया और Alt E का प्रयोग किया। यहां पर मैंने इस फाइल का नाम decdecember.xml यूज किया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराया और अब अपनी कंपनी पे स्विच करा के डेटा ट्रांसफर वाली कंपनी में यूटिलिटीज में इंपोर्ट ऑफ डेटा ले लेता हूं। साथियों वाउचर फाइल का नाम december.xml। अब आप पाएंगे साथियों दिसंबर का डेटा भी यहां पर इंपोर्ट हो चुका है। ये देखिए 1 दिसंबर की एंट्री आपको दिखाई दे रही है। तो आप दोनों तरीके से ही इसको ट्राई कर लीजिए, एक एक दिन के अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑल टुगेदर Alt F2 की मदद से कर सकते हैं। चैप्टर से रिलेटेड असाइनमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और आगे बढ़ते हैं।